बरसाना ही नहीं बल्कि पूरा ब्रज राधे रानी की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। यहाँ पर राधे रानी के जन्म उत्सव पर जमकर भक्तों ने आनंद उठाया। जन सैलाब राधे रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। पंचामृत से राधे रानी को अभिषेक किया गया और यहाँ पर सोने के पात्र और कमल पुष्प राधे रानी की सेवा में अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं ने यहाँ आने पर राधे रानी के पंचामृत से हुए अभिषेक के दर्शन किए और अपने आप को धन्य माना। राधा रानी जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है। राधा रानी के मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है, राधा रानी क्या कहेंगे? मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। जिस तरह से लाइट लगी हुई है, बहुत ही रंग बिरंगा मंदिर लग रहा है और मन को बहुत भा रहा है। रंग बिरंगी लाइट है, किस तरह का वातावरण बना हुआ है संध्या की बात करें तो? यहाँ पे वातावरण भक्तों का आना जाना लगा हुआ है जो कि मन को बहुत भा रहा है। ऐसे में सुरक्षा बहुत अच्छी हुई है, हर जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस आने जाने वाले लोगों को चेक कर रही है कि कैसे आएंगे, क्या है। बरसाना ही नहीं बल्कि पूरा ब्रजमंडल राधे रानी की भक्ति में सराबोर नजर आया। राधे रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। फूलों के सोने चांदी के पात्र में बिठाकर राधे रानी को स्नान कराया गया। पंचामृत से स्नान कराने के बाद राधे रानी को गंगा जल से स्नान कराया गया और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। दर्शन के लिए एक सैलाब श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है। पंचामृत का जब तक अभिषेक चला तब तक श्रद्धालु हाथ जोड़कर राधे रानी की भक्ति में सराबोर नजर आए। नज़ारा अगर आप देखेंगे तो अद्भुत और अलौकिक है। मंदिर को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया सवारा गया है ताकि मंदिर की खूबसूरती अपने आप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु मंदिर में सेल्फी लेने से नहीं कतरा रहे हैं। आइए जानते हैं राधा जन्मोत्सव की क्या है कहानी। मेरा नाम प्राची है, मैं मथुरा से। बड़ा आनंद आ रहा है, आपको दर्शन करने आए हूँ। बस ये ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठ के आनंद लेती रहूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपको बोली आती बहुत भव्य, इतनी सुंदर लग रही है कि बिल्कुल बरसाना यही आ गया। राधा रानी यही बैठी है, हम राधा रानी के साथ बैठे हुए हैं। इतना आनंद आ रहा है।